इसी को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, SMGS कमिंग टूवर्ड्स द प्राइस, तो क्या आपको इस स्कूटर का प्राइस देखने को मिलेगा, तो ऑन रोड आपको 1 लाख। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैश ऋषभ। हियर इज द 2023 यामा RZR स्ट्रीट रैली एडिशन, जो कि मेरे यहाँ सामने खड़ा है। ऑल्दो एक और चीज़ मैं बता दूं, जो कि नटराज यामा था वो अब ब्लू स्क्वायर हो गया है, एज यू कैन सी। अब ये वन एंड ओनली पूरे कानपुर में ब्लू स्क्वायर है, जो कि इसको कर दिया गया है। और ब्लू स्क्वायर नॉर्मल यामा के शोरूम से अलग होता है। यहाँ पे आप सुपर बाइक इंस्टेंटली, मतलब अगर आप बुक करोगे तो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल वाले में बहुत डिलेस कर देते हैं, यहाँ पे आपको इंस्टेंट जो भी आपको काम चाहिए वो सारा पूरा रेगुलर हो जाएगा। एनीवेज, यहाँ पे हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं इस स्कूटर के ऊपर। 2023 में RZR को एक नया फीचर्स दिए गए, जो कि हम लोग RZR 125 हाइब्रिड कह सकते हैं। और यहाँ पे तीन कलर आए, मैट कॉपर, मैट ग्रे एंड एक और कलर है जो कि लाइट वर्मिलियन कलर है, वहाँ पे जो कि खड़ा हुआ है। थीम कलर यही आया था, राइट। अब लेकिन हम लोग रिव्यू इसका करने हैं, तो हम लोग इसका रिव्यू करते हैं। मुझे ब्लैक में थोड़ा सा अलग लगी, मैट कॉपर कलर यहाँ पे नहीं, शायद वो भी होता तो मैं दिखा सकता। फ्रंट से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको फुली LED देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको इस हिसाब का कुछ DRL देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नकल गार्ड देखने को मिलता है हैंडल सेफ्टी के लिए। नकल गार्ड के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, हैलोजन है, ठीक है। और इधर साइड आपको कुछ इस हिसाब का फ्रंट लाइट देखने को मिलती है, और यहाँ पे RZR की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। थोड़ा सा एजी बनाया गया स्कूटी को, कोशिश की गई है मैक्सी स्कूटर टाइप करने की। बस मैक्सी स्कूटर उनके पास एरोक्स है, बट इसको कोशिश की गई थी मैक्सी स्कूटर बनाने की, या तो हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल को एक स्पोर्ट्स वेरियंट दे दिया गया है, बस इतना ही है, राइट। और फ्रंट से कुछ हिसाब की है। अब हम लोग इधर साइड चलते हैं तो साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। तो साइड प्रोफाइल में स्कूटी कुछ हिसाब की देखने को मिल जाती है। लेग स्पेस डिसेंट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेकिन ठीक है। और इधर साइड नीचे आपको शायद बैटरी देखने को मिल सकती है, आई डोंट नो। और इधर साइड देखा जाए तो एक एयर इनटेक आपको देखने को मिलता है, फेक एयर इनटेक है एक्चुअली, डिज़ाइन किया गया है बट एयर इनटेक नहीं है इधर। और यहीं पे देखें तो यहाँ पे साइजेनियस RZR 125 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे कुछ हिसाब की डिज़ाइन देखने को मिलती है, थोड़ी सी ये मैट में है, बट देखा जाए तो एजी काफ़ी करी गई स्कूटी काफ़ी एजी करी गई है। स्प्लिट सीट नहीं है, बट जो डिज़ाइन है वो स्प्लिट सीट टाइप जैसी है। और यहाँ पे आपको यामा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। कमिंग टूवर्ड्स स्पेसिफिकेशन, तो 125cc का आपको स्कूटर देखने को मिल जाता है। 8 HP 10 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इज राइट ओवर हेयर। और यहीं पे देखें जो 12 इंचेस का फ्रंट टायर साइज और 10 इंचेस का रियर टायर साइज आपको देखने को मिलता है। 90x90 इज इन फ्रंट, और यहीं पे हम लोग देखें तो 100x90 एट द रियर। और देखा जाए तो गोल्डन अलॉयज आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी यूनिक लगती है देखने में। और देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन में आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन पे आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एयर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, और अगेन यहाँ पे यामा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। और यहीं पे हम लोग थोड़ा सा वेट और डायमेंशंस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहीं पे आपको 99 केजीज का आपको वेट देखने को मिलता है, टोटल 100 नहीं, 99 केजीज, वन एंड ओनली 99 केजीज आपको वेट इसका पूरा देखने को मिलता है। 145mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। 785mm की सीट हाइट आपको देखने को मिल जाती है, इतना ही सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो देखा जाए तो फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलती है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, और वी बेल्ट आपको देखने को मिलती है। ऐसा ऑब्वियसली स्कूटी में CVT यूनिट्स होते हैं जो कि आपका बेल्ट से चलती हैं, एक्सेलरेट करो और आगे बढ़ो, डेट्स इट। और रियर में आपको कुछ आपकी डिज़ाइन देखने को मिलती है, M टाइप की थोड़ी सी देखने को मिलती है, भी काफ़ी यूनिक लग रही है एक्चुअली। और इधर साइड से हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आपको फुटपैक देखने को मिल जाते हैं, और लेडीज़ फुटपैक इधर नहीं देखने को मिलते, बाकी किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों ही आपको देखने को मिलती है। और इधर साइड आपको एक हुक देखने को मिल जाता है, राइट। और यहाँ पे देखें तो इस आपकी की आपको देखने को मिल जाती है, आप देख सकते होगे, तो इधर आपको की देखने को मिल जाती है। इधर ही आपको सीट ओपन का भी देखने को मिल जाता है, और ये इसकी सीट है 21 लीटर की, आपको सीटी स्टोरेज में 5.2 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये E20 कंपेटेबल है, जो कि हम लोग फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, तो E20 कंपेटेबल आपको ये स्कूटर देखने को मिल जाता है। यामा ने अपनी सारे स्कूटर को E20 कंपेटेबल कर दिया। E20 कंपेटेबल में आपको 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिक्स आपको देखने को मिलता है, जो कि फ्यूचर में होने वाला है, बट यामा ने अपने स्कूटर्स को पहले ही से फ्यूचर रेडी करके रखा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। नाउ इधर से हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पास लाइट, लो बीम, हाई बीम, और यहाँ 10 इंडिकेटर्स, हॉर्न, और यहाँ पे एक यामा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। पॉलिश इतनी ज़्यादा करके रखी कि गाड़ी उंगलियाँ फिसल रही इसमें। और एक और चीज़ आपको इधर देखने को मिलती है, ऑन एंड ऑफ, ये वैसे किल स्विच नहीं है, ये मैं बता दूँ, जब ये ऑन रहेगा, एक असिस्ट टाइप का हम लोग कह सकते हैं, ये जब ऑन रहेगा तो 10 सेकेंड बाद आपकी स्कूटी बंद हो जाएगी। अगर आप रुकने की कंडीशन में खड़े हो, जैसे ट्रैफिक में आप खड़े हो, स्कूटी स्टार्ट है तो ऑफ हो जाएगी। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है फ्यूल बचाने के लिए, इसी को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, SMGS स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम। इससे क्या होता है,
जो कि हम लोग स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो साइलेंटली स्कूटी स्टार्ट होगी, जैसे होंडा एक्टिवा में आपने देखा होगा होंडा एक्टिवा 6G साइलेंटली स्टार्ट होती है, वैसे ये सेम स्कूटर साइलेंटली स्टार्ट होता है। अभी इसको भी स्टार्ट करके हम लोग दिखाएंगे। ऑलराइट, और यहाँ से हम लोग चलते हैं मीटर पे। तो इस आपका कुछ मीटर देखने को मिलता है, यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको पूरी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे फ्यूल गेज देखने को मिलता है, यहाँ स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, यहाँ सिलेक्ट बटन देखने को मिलती है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे टाइम, काफी स्मूथ बटन है, ज्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना पड़ा है, नॉर्मल प्रेस में इजिली हो जा रहा है। यहाँ पे वी बेल्ट, यहाँ ऑडोमीटर, यहाँ ट्रिप मीटर, यहाँ इकोनॉमी, यहाँ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और यहाँ टाइम, दैट्स इट। इतना ही आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे यामा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ इको की लाइट, और एक बार फिर से ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ पे इंजन चेक लाइट वार्निंग, यहाँ पे हाई बीम, यहाँ असिस्ट की लाइट, और यहाँ पे एक और लाइट आपको कुछ देखने को मिलती है। तो इतना ही पूरा इंस्ट्रूमेंटल कंसोल था, काफ़ी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है और स्कूटर से हम लोग अगर बात करें तो। बाकी लेग स्पेस कुछ आपका देखने को मिल जाता है, एक बार स्कूटर में बैठ के दिखाते हैं। तो मेरे सही है, हाइट के हिसाब से काफ़ी सफिशियंट है, काफ़ी सही है मेरे हाइट के हिसाब से, राइट। और फ्रंट से हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हिसाब का कुछ DRL देखने को मिल जाता है, और टर्न इंडिकेटर्स आपको हिसाब के देखने को मिल जाते हैं। पर लाइट वर्मिलियन ग्रे कलर भी दिखा देते हैं जो कि इस हिसाब का है। तो यहाँ पे फ्रंट DRL और एक बार लाइट भी दिखा देते हैं आप सभी को, जैसे ये साइलेंटली स्टार्ट हो गई तो इस हिसाब के यहाँ पे आपको वो डे लाइट देखने को मिलेगा इस हिसाब का। और यहीं पे हाई बीम एक बार दिखा देते हैं, तो हाई बीम आपको कुछ हिसाब का देखने को मिल जाता है जो कि आप इधर से देख सकते हो, इस हिसाब का कुछ हाई बीम आपको देखने को मिल जाता है। और यहीं पे पास लाइट कुछ हिसाब की देखने को मिलती है, तो काफ़ी यूनिक लग रही है देखने में। और ऑफ़ करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और की को ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल है, बट 10 सेकंड अगर रुकोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये भी कलर काफ़ी यूनिक लग रहा है, अगर हम लोग देखें तो ये भी कलर काफ़ी यूनिक लग रहा है, अगर आप इधर से देख सकते हो काफ़ी यूनिक कलर है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्राइस, तो क्या आपको इस स्कूटर का प्राइस देखने को मिलेगा, तो ऑन रोड आपको 113,000 देखने को मिलेगा। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यामा को कोई और भी प्रोडक्ट देखना है इसके अलावा, तो आप यहाँ पे आके कंसर्न कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, और इवन सुपर बाइक भी चेकआउट करनी है, R1 MT09, वो भी चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज ये स्कूटी लेनी है तो यहाँ पे आके कंसर्न कर सकते हो, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं, सो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।